वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक अमेजॉन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टुडेज ऑनलाइन टेस्ट पेपर विच इंक्लूड 10 एमसीक्यू एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल लॉस इज ड्यू टू ब्लैंक ऑब्सोलेंसेस। जो कैपिटल लॉस होता है वो किस कारण होता है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस के कारण ये होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर सेकंड, बस परचेज बाय ट्रैवलिंग एजेंसी इज ब्लैंक गुड। ट्रैवलिंग एजेंसी जिस बस को ख़रीदता है वो उसका फिक्स असेट्स होता है, वो उसको आगे काम में लेते हैं। देन इट इज़ फाइनल गुड होगा, जो भी इसका डेफिनेशन पढ़ा था आपने। नंबर थर्ड, मनी सप्लाई इन अ कंट्री इज ब्लैंक कंसेप्ट। मनी सप्लाई जो हमारे कंट्री में पॉइंट रिलेटेड कंसेप्ट होता है। देन इट इज़ स्टॉक कंसेप्ट। नंबर फोर, वैल्यू ऑफ ब्लैंक गुड्स इज एडेड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी गुड्स की वैल्यू को आप लेते हैं, देन फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है आप उसी को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दबाजी में बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन की जगह कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल समझ के डेप्रिसिएशन को लगा देते हैं, या नेट कैपिटल फॉर्मेशन है। तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। इसके कारण प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जितना ज़्यादा नेट कैपिटल फॉर्मेशन होगा हमारे जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी पर हेड। नंबर 6, ब्लैंक इज द फ्लो कंसेप्ट। इनमें से फ्लो कंसेप्ट कौन सा है? देन आवर इनकम इज फ्लो कंसेप्ट, बैंक डिपॉजिट वेल्थ और मनी सप्लाई जो है ये आपके पास स्टॉक कंसेप्ट है। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का पार्ट इनमें से क्या नहीं है? तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, जिसमें अर्थक्वेक, फ्लड, फायर एक्सीडेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, नेचुरल क्लेमिनिटीज़ वगैरह आ जाते हैं। प्रॉफिट कॉस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस जो है ये पार्ट होता है डेप्रिसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइनल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। फिक्स जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, इसको कैपिटल का कंजप्शन समझ के डेप्रिसिएशन पे टिक वो लगाते हैं कि फिक्स कैपिटल जो फॉर्मेशन है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट है। आप इसको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ना समझें। अगर ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल होता तो आपका ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन करेक्ट आंसर था। नंबर 9, शुगर परचेज बाय स्वीट मेकर। मिठाई बनाने वाले द्वारा जो चीनी खरीदी जाती है वो इंटरमीडिएट गुड होता है, बिकॉज उसमें वैल्यू एडिशन होकर मिठाई आगे बिकेगा। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस का नेचुरल क्लेमिनिटीज आएगा, चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड, इसका इससे लेना देना नहीं है। तो नेचुरल क्लेमिटीज में अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ब्लैंक गुड्स आर दोज गुड्स विच हैज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन येट। जिन्होंने प्रोडक्शन का बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है वो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। वैल्यू इज येट टू एडेड, उसमें वैल्यू अभी एड होना है। नंबर सेकेंड, मिक्सर ग्राइंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक गुड। जो घर में मिक्सर ग्राइंडर काम आता है वो सेमी ड्यूरेबल गुड का एग्जाम्पल होता है। नंबर थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर द्वारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पे जो पैसा खर्च किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यस इट इज़ ट्रू। नंबर 4, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर कैन इज ब्लैंक गुड। चीनी बनाने में गन्ने का जो उपयोग होता है वो किस तरीके की गुड है? इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वैल्यू एडिशन हो जाता है चीनी बनते ही। नंबर 5, क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड। तो टाइम पीरियड वाला कंसेप्ट अपने पास हमेशा फ्लो कंसेप्ट होता है। दीज आर द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर एंजॉइंग ऑनलाइन स्टडीज एंड दिस टेस्ट। एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। काइंडली कलेक्ट, इनको आप रिवाइज